नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे। मैं ही आनी जो आपके साथ। काफी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो यूक्रेन गए पढ़ाई के लिए, काफी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो स्पेशली मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए, क्योंकि इंडिया में काफी एक्सपेंसिव वो पढ़ाई थी, जिसके चलते हमने आपके साथ ये कंपैरिजन भी शेयर किया था कि अगर यूक्रेन में देखा जाए तो 20-25 लाख में अच्छे कॉलेजेस, अच्छे यूनिवर्सिटीज में आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, पर वहीं इंडिया में आपको 1 करोड़ तक भी खर्च करना पड़ सकता है मेडिकल की डिग्री लेने के लिए, मेडिसिन की डिग्री लेने के लिए। जिसके चलते काफी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो यूक्रेन गए पढ़ाई करने, और काफी ऐसे स्टूडेंट उनमें से भी थे जिन्हें एजुकेशन लोन लेके वहां जाना पड़ा ताकि वो पढ़ाई कर पाए मेडिसिन को लेके, मेडिसिन की डिग्री ले सके या कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके लिए वो स्पेसिफिकली गए थे। अब जो सिचुएशन हुई उसके चलते काफी स्टूडेंट्स को वापस आना पड़ा इंडिया, और अब क्या सिचुएशन होती है, क्या वो वापस जा पाएंगे या फिर यहाँ पे फिर से कहीं एडमिशन लेंगे कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, और यहाँ पे पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। अब जिन स्टूडेंट्स ने एजुकेशन लोन लिया है, क्या उन्हें रिफंड मिलेगा या उन्हें कहीं कंसेशन मिलेगा, क्या उस लोन अमाउंट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा टाइम पीरियड के लिए, क्या उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर वो इंडिया में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल उन स्टूडेंट्स के मन में हैं। हालांकि अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो काफी टाइम में प्रोविजन होता है कि अगर वॉरलाइक सिचुएशन हो तो उसमें आपको काफी फायदा मिल जाता है, पर अगर एजुकेशन लोन की बात करें तो उसमें काफी स्टूडेंट्स को इस समय खतरा है, काफी स्टूडेंट्स के ऊपर इस समय काफी बड़े लोन के अमाउंट जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें कहीं ना कहीं कोई कंसेशन दे या फिर उनके लिए कुछ प्रोविजन इस तरीके का लाए, क्योंकि सिचुएशन के चलते काफी स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोन अमाउंट जो है वो इस समय देखी जा रही है। इसके ऊपर क्या कोई अभी तक तो हालांकि इसके ऊपर कोई डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं लिया गया है, पर क्या आने वाले दिनों में कोई डिसीजन देखने को मिलेगा, अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि काफी ऐसे बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, काफी ऐसे बैंक हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, DFC है, और काफी ऐसे लेंडर्स हैं जिन्होंने अपने व्यूज इसके ऊपर रखे कि क्या रिस्पांस जो है आया कि इन स्टूडेंट्स को क्या कोई कंसेशन मिलेगा। काफी बैंक्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि असेसमेंट होगी पहले तो, कि क्या उनका बैकग्राउंड है, रीपेमेंट के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट जो है क्राइसिस का पड़ेगा रीपेमेंट इस एजुकेशन लोन की जो होगी उसके ऊपर। अब एक्सपेक्टेड यही है कि रिस्ट्रक्चर होगा लोन, या तो उसके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, अगर 5 साल का लोन था तो उसे 6 साल, 7 साल, या जो भी केस बाय केस बेसिस पे होगा उस तरीके से देखा जाएगा, या फिर जो अलग अलग बैंक जो है वो अलग अलग इस तरीके की कंडीशन लाएंगे, टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देंगे या फिर इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। वो तो बात रही कि बैंक्स क्या कुछ अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस लाते हैं। काफी ऐसे बैंक्स हैं जो सामने आए जिन्होंने कहा कि डिपेंड करेगा लेंडर पे, केस बाय केस बेसिस पे हम कुछ ना कुछ कंसेशन प्रोवाइड करेंगे या टाइम पीरियड थोड़ा लंबा कर देंगे। हालांकि ट्रांसफर होगा ये लोन, इसके बारे में अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। अब काफी ऐसे लेंडर्स हैं, काफी ऐसे बैंक्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे सिचुएशन में। आपको बता दें कि एवेंसे फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO और MD अमित जी ने कहा कि एजुकेशन लोन जो काफी स्टूडेंट्स लेके गए यूक्रेन में पढ़ने के लिए, कंपनी उनके पास जाएगी और काफी स्टूडेंट्स से जो है वो बात भी करेगी, जो वहां से वापस आए, यूक्रेन से वापस आए हैं, उन्हें टाइम देंगे कि वो सेटल कर सके इस पूरे जो भी सिचुएशन हुई, जिस तरीके का स्ट्रेस उनके ऊपर रहा, और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पूरे इस लोन को रिस्ट्रक्चर करेंगे। काफी ऐसे बैंक्स जो हैं वो इस समय सिंपैथी दिखाते हुए तो नजर आ रहे हैं, पर वहीं क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन स्टूडेंट्स की कोई हेल्प करेगी, ये सवाल अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूं। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।